तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो, ये एक अच्छा सा सवाल है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं तुम्हें आसान मेथड बताता हूँ, कोई फार्मूला रटने वाली बात नहीं है, जैसा कि बहुत सारे टीचर बताते हैं। तो ये कहता है कि ये लीनियर अपेरचर विड्थ 0 पॉइंट इज प्लेस्ड इमिडियटली इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ। देखो, अपेरचर, अपेरचर मतलब सिंगल अपेरचर, सिंगल स्लिट है, ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का क्वेश्चन है ये अपेरचर। और यहाँ पर तुम कन्वेक्स इन फ्रंट ऑफ ए फोकल लेंथ इमिडियटली, यहाँ कन्वर्जिंग लेंस रखा जाता है, इसके जस्ट पास रख देते हो, और यहाँ पे स्क्रीन होता है डी डिस्टेंस पे, तो यहाँ से बीम आती है, इधर कहीं फोकस हो जाती है, ये वाली चीज़। ये जो डिस्टेंस डी है, ठीक है, ये डिस्टेंस डी, ठीक है, ये इतने करीब है कि डी फोकल लेंथ के इक्वल होगा। और ये जो अपेरचर होती है, इसकी जो साइज होती है, उसमें स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, जो कि आप पहले से जानते होंगे। तो कहीं पर, यहाँ पर कहीं पे, ठीक है, इस पॉइंट पर कहीं पे कोई फर्स्ट मिनिमा बना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, और ऐसे ऐसे चलता है, आई होप कि आप पढ़े होंगे। तो जो फर्स्ट मिनिमा यहाँ से वाई डिस्टेंस पर लोकेटेड है, उसी वाई की हमें कैलकुलेशन करनी है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट वाई द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो, इसका जो सिंपलेस्ट वर्जन ये है, सिंपलेस्ट वर्जन ये है कि देखो, आसान तरीका है इसको करने का। तो ये यहाँ से डॉट 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 ये ले लो, और ये अपना आ गया यार, ये यहाँ से एक बीम गई, तो ये आ गया वाई, ये हो गया डी, और ये हो गया एंगुल एंगल थीटा। तो यहाँ से तुम पढ़े होगे फर्स्ट मिनिमा का जो कंडीशन पढ़े होगे, आई होप कि मिनिमा का कंडीशन पढ़े होगे, कि जो पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा, पाथ डिफरेंस वो डी साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, डी साइन थीटा या ए साइन थीटा, वेयर ए इज द साइज ऑफ द अपेरचर, ये वाली, ठीक है, या डी इज द साइज ऑफ अपेरचर। तो यहाँ से फर्स्ट मिनिमा के लिए जब लगाते हैं, तो एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ध्यान रखना ये डिफ्रैक्शन है, तो डिफ्रैक्शन में एन इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, और एन इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ से सेकेंड मिनिमा, ठीक है, और उसी तरह से एंड सो ऑन। तो फर्स्ट मिनिमा के जैसे लिए इक्वेशन अप्लाई करने जाओगे फर्स्ट मिनिमा के लिए, तो यहाँ से मुझे दिखेगा, हाँ, फर्स्ट मिनिमा के लिए जैसे ही अप्लाई करने को सोचोगे, तो यहाँ से एन की वैल्यू 1 रखते ही, हाँ, यहाँ से 1 की वैल्यू 1 रखते ही ये जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा लैम्डा, और यहाँ से डी साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो साइन थीटा होता है वो बहुत स्मॉल एंगल होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, दैट इज लैम्डा बाई डी। और यहाँ से इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हो वाई अपॉन डी। फार्मूला याद करें, फार्मूला याद करोगे एग्जाम में भूल जाएगा भाई। देखो, मैं कितनी आसान तरीके से एक लाइन में बता दिया है, फार्मूला याद नहीं करना है। तो जनरल लोकेशन जो है, फर्स्ट मिनिमा का जो वाई लोकेशन आ जाएगा, वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ना, ये वाला चीज़। तो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से जो अब वैल्यू रख दो वाई, लैम्डा की वैल्यू कितना है, 5 × 10 की पावर, देखो 5 × 10 की पावर -5, और डी जो है वो 60 सबसे सेंटीमीटर में है भाई, और यहाँ से 0.02। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे वाली जो पॉइंट्स है वो हट जाएंगे, और यहाँ से ये इसको 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये 3 जीरो, और यहाँ से 5 जीरो, तो 2 जीरो बचा, मतलब ये आ जाएगा, ये 3 टाइम्स कटेगा ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 15 × 10 की पावर -2, मतलब ये आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। तो इस लॉजिक से अपना जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू।